हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने गार्डनिंग बॉय यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने अच्छे अच्छे कामों में अच्छे से बिजी होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट पे। दोस्तों, इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ये सबसे अच्छी खाद मानी जाती है। ये केचुए से तैयार की जाती है दोस्तों, इसीलिए इसे वर्मी कंपोस्ट ये भी खाद कहा जाता है। दोस्तों, ये कई प्लांटों में उपयोग कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 350 रुपये आपको इस पैकिंग पे लिखा हुआ मिलेगा, पर ये आपको लोकल मार्केट में ये 100 रुपीज़ का 5 केजी का ये पैकेट मिलेगा। दोस्तों, इसे आप लोकल मार्केट से आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, अगर इसकी उपयोग की बात की जाए तो ये दोस्तों जो हम गोबर खाद यूज करते हैं उससे बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, अगर इसकी हम पहचान की बात करें ये देखने में कैसी लगती है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये देखिए, जब आप इसको टच करेंगे तो जैसे चाय की पत्ती होती है उसी तरह से ये लगती है। इसे केचुए खाते हैं वेस्ट मटेरियल को, और उन्हीं से ये हमें वर्मी कंपोस्ट तैयार होके मिलती है। दोस्तों, अगर हम गोबर खाद की बात की जाए तो वो खाद बहुत अच्छी होती है, पर एक कारण उसमें ये रहता है कि जब भी वो हम खाद मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो वो बढ़िया से डीकम्पोस्ट नहीं रहती है। वो लोग 1 से 2 महीने छोड़ देते हैं और उसके बाद पैकिंग करके नर्सरियों पे आ जाती है, जो कि हमारे प्लांटों के लिए अच्छी नहीं होती है। जब हम उसे प्लांट में डालते हैं तो वो अच्छे से डीकम्पोस्ट नहीं रहती है, उसमें छोटे छोटे कीट रहते हैं जो कि हमारी जड़ों को डैमेज करते हैं। पर वर्मी कंपोस्ट के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें किसी भी तरह के कोई कीट या कुछ नहीं मिलता है। एकदम जैसे चाय की पत्ती होती है उसी तरह से ये हमें मिलती है। इसीलिए इसे जब हम प्लांट को देते हैं तो प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होता है और उसे फायदे ही फायदा मिलता है। इसमें पौधे के लिए सभी तरह के पोषक तत्वों की भरमार होती है। तो दोस्तों, आप अगर खाद यूज करना चाहते हैं अपने प्लांटों के लिए अच्छी, तो आप वर्मी कंपोस्ट का ज़रूर उपयोग करें। दोस्तों, ये खाद आपको 15 दिन में गुड़ाई करके और ये डाल देनी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें। इससे मेरी न्यू वीडियो आपको तुरंत मिलेगी। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।